This news sponsored by Cummins College of Engineering for Women. नमस्कार, स्वागत है आपका एनबीसी न्यूज पर। आज के टॉप 20 में मैं हूं आपके साथ भाग्यश्री। लोकसभा चुनाव 2024 के चौथे चरण के लिए 96 सीटों पर मतदान जारी है। कन्नौज में सपा ने आरोप लगाया है कि वोटरों को वोट नहीं डालने दिया जा रहा है। दिल्ली के बाद अब राजस्थान की राजधानी जयपुर के कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। करीब 8 या उससे ज्यादा स्कूलों को धमकी भरा मेल पहुंचा है। हाजीपुर में पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि एनडीए को दिया आपका वोट केंद्र में मोदी की मजबूत सरकार बनाएगा, जबकि आरजेडी कांग्रेस या इंडिया गठबंधन को दिया गया वोट तो वैसे भी बेकार हो जाएगा। देश में इस समय चौथे चरण में 96 सीटों पर वोटिंग कराई जा रही है। सुबह 9 बजे तक देश भर में 10.35% वोटिंग हुई है। पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक 15% से अधिक वोटिंग हुई है। महाराष्ट्र में सबसे कम 6.45% वोटिंग हुई है। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के चौथे चरण की वोटिंग जारी है। चौथे चरण की कुल 11 सीटों पर सुबह 9 बजे तक औसतन 6.45% वोटिंग हुई है। समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया है कि यूपी में कन्नौज लोकसभा सीट के कन्नौज में बूथ संख्या 354 पर मुस्लिम महिलाओं को आधार कार्ड से वोट डालने नहीं दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के उन्नाव संसदीय सीट से बीजेपी उम्मीदवार साक्षी महाराज ने कहा कि आपने पूरे 5 साल देखा होगा कि कांग्रेस कभी बहस के लिए तैयार नहीं थी, उसने सदन तक नहीं चलने दिया। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने चौथे चरण की वोटिंग से पहले कहा कि आज चौथे चरण का मतदान है। शुरुआती 3 चरणों में ही यह बात साफ हो चुकी है कि 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बननी जा रही है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने वोट डालने के बाद कहा कि प्रदेश और देश में बस एक ही तरफ का माहौल है। देश के 75% से अधिक लोग चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से देश के प्रधानमंत्री बने। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में मतदान की निगरानी के लिए कंट्रोल सेंटर की स्थापना की। श्रीनगर में आज चौथे चरण में मतदान होना है। मुंबई में चोरी की गई वारदात को अंजाम देने वाले एक आदतन अपराधी ने गिरफ्तारी के बाद पुलिस पूछताछ में खुलासा किया है कि अपराध के लिए बाहर निकलने से पहले उसकी मां उसे मादक पदार्थ का सेवन कराती थी। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव से पहले रात में बीजेपी और शरद गुट के कार्यकर्ताओं में झड़प हो गई। अहमदनगर से एनसीपी एससीपी उम्मीदवार ने बीजेपी पर रुपए बांटने का आरोप लगाया है। महाराष्ट्र में आज 13 मई को चौथे चरण में 11 लोकसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। वोटिंग के बीच उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी मुंबई में बच्चों के साथ क्रिकेट खेलते दिखे। मुंबई में लोगों को गर्मी से राहत मिलने वाली है। मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही कई इलाकों में ओलावृष्टि के बीच चेतावनी जारी की गई है। महाराष्ट्र के ठाणे और पुणे समेत कुछ शहरों में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट का मामला दर्ज किया गया है। हालांकि कोई भी मामला गंभीर स्थिति वाला नहीं है। पीएम मोदी ने कहा कि जिस शरद पवार ने कांग्रेस को छोड़कर अपनी अलग पार्टी बनाई, वही शरद पवार अब फिर से कांग्रेस में विलीन होने की बात क्यों कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजों को लेकर अस्थिरता और महंगाई के आंकड़ों के आने से पहले शेयर बाजार सोमवार को सुबह आधे घंटे के अंतर क्रैश हो गया। सीनियर मराठी थिएटर एक्टर सतीश जोशी का निधन हो गया है। मौत के समय वो रंगमंच पर एक नाटक का अंग पेश कर रहे थे। राजकुमार राव की फिल्म श्रीकांत रिलीज हो चुकी है और फिल्म में उनकी एक्टिंग की खूब तारीफ भी की जा रही है। फिल्म की कमाई के ताजा आंकड़े आ गए हैं। जब से फिल्म रिलीज हुई है तब से इसकी कमाई में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। विराट कोहली ने हाल ही में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मैच जीत लिया। ये मैच आरसीबी के प्लेऑफ की जगह बना पाने के लिहाज से काफी अहम था। इस दौरान बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा भी मैदान पर मौजूद थी। अब उनका रिएक्शन सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ये थी आज की टॉप 20 खबरें। खबरों का सिलसिला यही चलता रहेगा। आप देखते रहिए एनबीसी न्यूज़। नमस्कार।